दोस्तों, मैंने यहाँ पे आईसी का छोटा स्ट्रक्चर्स निकाल लिया है। अब इसको पावर सप्लाई देने के लिए हमें इसका पावर सप्लाई भी खुद बिल्ड करना है, और वो खुद बिल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई कैसा बनता है वो भी आपको समझा रहा हूँ। अंत तक देखते रहिए, सारा आपको समझ जाएगा, खुद आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। चलो निकालता हूँ आपके लिए मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो यहाँ पे ये मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैं निकाल रहा हूँ, ये मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हमें ब्रिज रेक्टिफायर भी आगे लगाना होगा। यहाँ पे मुझे 012 मिल जाएगा, 012 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ये जो होगा ये पूरी तरह से एसी होल्ट होगा, इसे डीसी में मुझे कन्वर्ट करने के लिए आगे ब्रिज रेक्टिफायर भी लगाना होगा। सो इस तरीके से हमने अभी यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी निकाल लिया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको डायोड्स का ब्रिज डायोड्स हमें लगाने होंगे। सो ब्रिज बनाते समय एक जरूर ध्यान में रखिएगा कि ब्रिज जब आप बना लेते डायोड का, तो आपको पता नहीं होता है कि ब्रिज में प्लस कहाँ पे मिलेगा और माइनस कहाँ पे मिलेगा। तो बने रहो मेरे साथ में, इसका मैं आपको लेआउट भी बना दूंगा, इसके हम पीसीबी के ईचिंग ड्रिलिंग सोल्डरिंग सब समझ लेगी। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ नीलेश वाघ फ्रॉम लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रो सॉफ्ट सिस्टम पुणे। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का सारा एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड लगा है, आज व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको सारा बता दूंगा, लेआउट भी बता दूंगा प्रोजेक्ट के, और आपको बता दूंगा उसके वाले इचिंग ड्रिलिंग एंड सोल्डरिंग्स। पहले तो सर्किट डायग्राम आपको छोटा सा प्रोजेक्ट का एक्सप्लेन करता हूँ। आज मैं आपके लिए जो लेने वाला वो टॉपिक्स का नाम है कंपैरेटर। जी हाँ दोस्तों, जो LM358 नाम का जो आईसी है उससे हमें कंपैरेटर बना लेना है, और ये जो कंपैरेटर जब बन जाएगा तब उसके साथ में हमें उसके जो सर्किट डायग्राम के ऊपर से लेआउट डिजाइन करना आना चाहिए, और साथ में आ जाना चाहिए हमें उसका वाला लेआउट के बाद में इचिंग ड्रिलिंग एंड सोल्डरिंग। जब हमें ये लेआउट डिजाइनिंग आ जाएगा, उसका इचिंग आ जाएगा, उसका ड्रिलिंग एंड सोल्डरिंग आ जाएगा, तब जाके हम हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस कर सकते हैं, और उसको टेस्टिंग भी हमें करना चाहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं सर्किट डायग्राम की ओर। मैं आपको LM358 का पूरा क्या पूरा पढ़ा दूंगा सर्किट डायग्राम, और उसके साथ में आपको उसका लेआउट कैसे डिजाइन करता वो भी मैं बताता हूँ। उसके साथ में मैं आपको थोड़ा सा पावर सप्लाई भी उसमें कैसे बनाया जाता है वो भी आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ताकि आप मेरे जो बाकी के जो प्रोजेक्ट टॉपिक्स देख रहे हो वो सारे कैसे बने हैं ये आपको समझ जाएगा। और ये प्रोजेक्ट का आज का जो टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ ये आपके लिए खुद को DIY किट बनाने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारा देख लेते। तो चलिए दोस्तों देखते हैं LM358 IC का बेसिक स्ट्रक्चर्स, और उसके साथ में उसका परिपूर्ण सर्किट डायग्राम। तो दोस्तों जाते हैं अभी उसके वाले हम इसके स्पेशली IC के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की ओर, कि इसमें इंटरनली कैसे लगे हुए हैं आपके ऑपैम्प्स। तो दोस्तों इसमें ये ऐसे हम अगर IC इसका लेते तो इस IC में एक नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 नंबर का पिन इसका ग्राउंड होता है दोस्तों। अब ये इसका 2 नंबर का पिन इन्वर्टिंग है, 3 नंबर का नॉन इन्वर्टिंग पिन है, साथ में 1 नंबर का इसका इस ऑप एम्प का आउटपुट्स निकाल दिया हुआ है, 4 नंबर का इसका वाला यहाँ पे मैंने ग्राउंड कर दिया है। ये जो 5 नंबर का पिन है ये 6 नंबर का है, ये 7 नंबर का पिन है, 8 नंबर का जो पिन इसका वाला VCC पिन होता है दोस्तों। VCC आप इसको अप टू 5 वोल्ट तक VCC दे सकते हो, ये आपका ग्राउंड पिन है। मैं इसका आपको पूरा इंटरनली स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूँ। 7 नंबर का जो पिन होता है वो इसका वाला आउटपुट होता है, जैसे इसमें 1 नंबर का आउटपुट है, और 5 नंबर में और 6 नंबर में, 5 नंबर में और 6 नंबर में 7 नंबर का जो पिन होता है इसका आउटपुट हो जाएगा, और 5 नंबर
और 6 नंबर। तो 5 नंबर जो पिन है और 6 नंबर जो पिन है, सो 5 नंबर में इसका आपका मिल जाएगा आपको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इसका 5 नंबर का है और 6 नंबर इसका इन्वर्टिंग से, और यहाँ पे आपको आउटपुट्स मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको आउटपुट्स मिल जाएगा। सो इस तरीके से मैंने आपको इसका पूरा पिन स्ट्रक्चर्स बता दिया है। अभी हमें इसको कंपैरेटर करके यूज़ करना है। तो कंपैरेटर कहाँ कहाँ पे लगते हैं दोस्तों? सो ये जो कंपैरेटर से आप देख रहे हो, ये आईसी आप यूज़ कर सकते हो आपके वाले प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे आपको समझो कहीं भी मोटर जामिंग डिटेक्शंस करवाने हैं, मोटर ज़्यादा करंट ले रही है तो ऑटोमेटिकली आपको उसको स्टॉप करवाना है, तब आप कंपेयर कर सकते हो एक रेफरेंस वोल्टेज के साथ में। जैसे सिटी से आने वाला आपका जो आउटपुट होता है, वो जो आउटपुट है उस आउटपुट में आपको समझो 1 एम्पेयर के लिए 5 वोल्ट मिल रहा है, तो 2 एम्पेयर के लिए 10 वोल्ट मिलेगा। सो जब आपका मोटर आधा एम्पेयर्स ले रहा होगा नॉर्मल कंडीशंस में, अगर आप उसको जाम करवा दोगे तो नियर अबाउट आपका मोटर 4 एम्प्स तक करंट लेना शुरू कर देगा, यानी आधा 4 टाइम्स करंट लेना शुरू कर देगा, यानी 2 एम्पेयर करंट लेगा दोस्तों। सो 2 एम्पेयर के लिए आपको 10 वोल्ट मिल जाएगी, फिर वो 10 वोल्ट आप एक रेफरेंस वोल्टेज से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो उसको, वो 10 वोल्ट आप यहाँ तक नहीं ला सकते हो, लेकिन उसको बीच में प्रीसेट डाल के उसको भी दबा के यहाँ तक ला सकते हो। तो रेफरेंस को अगर आप इसमें आपको 3 नंबर के पिन को अगर आपने रेफरेंस वोल्टेज दे दिया, यानी यहाँ पे अगर आपने आपका रेफरेंस वोल्टेज 2.2 वोल्ट दे दिया, और यहाँ पे अगर आपको वाला समझो ये आपको वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज अगर इससे ज़्यादा हो गया 2.3 हो गया, तो आपको यहाँ पे हाई मिल जाएगा, और आप उसके हिसाब से आपका ट्रांजिस्टर्स वगैरह रन करके आपके सारे काम कर सकते। पीएलसी के साथ में ये कंपैरेटर कैसे जोड़ा जाता है उसका मैं आपको टोटली इसका सब सर्किट डायग्राम बता रहा हूँ, तो बने रहो मेरे साथ में। इसका मैं आपको लेआउट भी बना दूंगा, इसके हम पीसीबी के ईचिंग ड्रिलिंग सोल्डरिंग सब समझ लेंगे। तो अभी सपोज ना इसको काम करने के लिए मुझे इसको पावर सप्लाई बनाना होगा, तो पावर सप्लाई भी हम यहाँ पे बना लेते, तो मैं आपको बना के देता हूँ सर्किट डायग्राम इसमें होगा। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे आईसी का छोटा स्ट्रक्चर्स निकाल लिया है। अब इसको पावर सप्लाई देने के लिए हमें इसका पावर सप्लाई भी खुद बिल्ड करना है, और वो खुद बिल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई कैसा बनता है वो भी आपको समझा रहा हूँ। अंत तक देखते रहिए, सारा आपको समझ जाएगा, खुद आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। चलो निकालता हूँ आपके लिए मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो यहाँ पे ये मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैं निकाल रहा हूँ, ये मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हमें ब्रिज रेक्टिफायर भी आगे लगाना होगा। यहाँ पे मुझे 0.12 मिल जाएगा, 0.12 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ये जो होगा ये पूरी तरह से एसी होल्ट होगा, इसे डीसी में मुझे कन्वर्ट करने के लिए आगे ब्रिज रेक्टिफायर भी लगाना होगा। सो इस तरीके से हमने अभी यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी निकाल लिया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको डायोड्स का ब्रिज डायोड्स हमें लगाने होंगे। सो ब्रिज बनाते समय एक जरूर ध्यान में रखिएगा कि ब्रिज जब आप बना लेते डायोड का, तो आपको पता नहीं होता है कि ब्रिज में प्लस कहाँ पे मिलेगा और माइनस कहाँ पे मिलेगा। सो मीटिंग पॉइंट ऑफ एनोड और मीटिंग पॉइंट ऑफ कैथोड अगर आप समझ लेते हो, ये टेक्निकल टिक्स है। मैं इससे पहले सारे ऐसे टेक्निकली प्रोजेक्ट्स रिपेयर कर चुका हूँ, तो ये टेक्निकल टिक्स आपको भी देना चाहता हूँ। सो मीटिंग पॉइंट ऑफ कैथोड इस मीन्स योर प्लस, एंड मीटिंग पॉइंट ऑफ एनोड इस मीन्स नाउ योर माइनस। तो जहाँ पे दोनों कैथोड्स आपके मिक्स पॉइंट्स उसका मीटिंग्स हो जाएगा, वहाँ पे आपको प्लस मिल जाएगा, और दोनों एनोड जहाँ पे आपका पॉइंट मीट हो जाएगा वहाँ पे आपको माइनस मिलेगा दोस्तों। और इसमें जो अपोजिट टर्मिनल जो होते हैं वहाँ पे आपको देना होगा आपका एसी सप्लाई। तो चलो बनाते हैं पे ब्रिज रेक्टिफायर मेरे बोर्ड के ऊपर, और उसके सारे कनेक्शन भी मैं मेरे आईसी को दे रहा हूँ आपके सामने। सो दोस्तों इस तरीके से हम हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे। इसमें हमें यहाँ पे हमारे डायोड्स एक डायोड्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और दूसरा डायोड्स भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि दोनों के कैथोड जो है यहाँ पे मीट हो चुके हैं। इस पॉइंट को दोनों कैथोड्स यहाँ पे मीटिंग आ रहे हैं, और यहाँ पे दोनों एनोड का मैं मीटिंग्स करवा दूंगा। यहाँ पे अभी ये दोनों जो डायोड्स है 1N407 के डायोड आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो मीटिंग पॉइंट ऑफ जो मेरा कैथोड्स है, यहाँ से मेरा प्लस बाहर आ जाएगा, यहाँ से मेरा माइनस बाहर आ जाएगा, और मैं एसी सप्लाई इन अपोजिट टर्मिनल्स को दे रहा हूँ। सो इस तरीके से हमने हमारा पावर सप्लाई कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट डीसी मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन ये जो 12 वोल्ट डीसी रहेगा इसमें
आपका अनवांटेड एसी मौजूद रहेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा फिल्टर कैपेसिटर से। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर्स लगेगा, नियरअबाउट फिल्टर कैपेसिटर्स। आप अगर आपको ये 12 वोल्ट का सप्लाई अगर फिल्टर कर लेना है अच्छी तरह से, तो आप 1000 माइक्रोफैरेड 16 वोल्ट का फिल्टर कैपेसिटर भी यूज़ करके आपका काम अच्छी तरह से कर ले सकते हो। सो यहाँ पे 1000 माइक्रोफैरेड 16 वोल्ट का आपको फिल्टर कैपेसिटर्स लग जाएगा। देन नाउ आपको तो ये जो पावर सप्लाई बना हुआ है ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई नहीं है, ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, इसको रेगुलेटेड बनाना होगा। सो दोस्तों उसके लिए आपको 7805 नाम का वोल्टेज रेगुलेटर भी लग जाएगा, जो कि 4.5 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक सप्लाई लेता है और 5 वोल्ट आपको कॉन्स्टेंट आउटपुट देता है विदाउट हीट सिंक। अगर हीट सिंक लगा दे तो और ज़्यादा वोल्ट पे भी वो काम कर सकता है, लेकिन विदाउट हीट सिंक अगर आपको काम करना है तो 4.5 से 18 वोल्ट आप इसको दे सकते हो। ये टेक्निकली किसी को भी पता नहीं है, लेकिन मैं इसमें टेक्निकली बहुत सारा नॉलेज खुद ले चुका हूँ और मैं मेरा नॉलेज आपके साथ में बांट रहा हूँ, इसके लिए आपको ये सारा समझ रहा है। सो दोस्तों 7805 मैं आप यहाँ पे निकाल रहा हूँ, और 7805 का फर्स्ट नंबर का जो टर्मिनल्स होता है 7805 आपको आराम से मार्केट्स में मिल जाएगा। ये आईसी वोल्टेज रेगुलेटर्स होता है, इसका फर्स्ट नंबर का जो टर्मिनल इनपुट है, 2 नंबर का टर्मिनल इसका ग्राउंड है, और 3 नंबर के टर्मिनल को आपको यहाँ से आउटपुट्स मिल जाएगा। तो ये 2 नंबर के टर्मिनल को मैंने यहाँ से इजीली ग्राउंड कर दिया है, 3 नंबर के टर्मिनल को आपके यहाँ से आउटपुट्स मिल चुका है। इसमें भी आपको एक कैपेसिटर डालना होगा। सो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई दैट कैपेसिटर इज हियर? अगर मैंने इधर कैपेसिटर डाल दिया है तो 7805 के उधर कैपेसिटर्स क्यों डालना है, बता सकते हो आप? सोच के रखिए कि क्यों डालना है। दोस्तों ये कैपेसिटर इसके लिए डालते हैं कि 7805 नाम का जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी खुद एक इलेक्ट्रिकल नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को हमें रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रिकल नॉइज़ जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए भी हमें डालना होगा कैपेसिटर। सो दूसरा कैपेसिटर उसके लिए होता है, इसका इलेक्ट्रिकल नॉइज़ इससे निकल जाता है। सो ये आप 100 माइक्रोफैरेड 16 वोल्ट का भी लेके आपका काम कर सकते हो। सो दोस्तों इस तरीके से ये पावर सप्लाई बन चुका है। अगर आपको इसको देना है एक एलईडी वगैरह लगाना है तो आप एलईडी भी इसको लगा सकते हो। एक यहाँ पे आपको इजीली डालना होगा आपका रजिस्टर्स, जो कि 470 ओम का भी आप डाल के आपका काम कर सकते हो। ये 470 ओम का रजिस्टर्स डाल के आपका पावर सप्लाई बन जाएगा, और यहाँ से आपको प्लस मिल जाएगा, वो सीधी वो प्लस आप आपके वाले 8 नंबर के पिंस को ले जा सकते हो। सो दोस्तों इस तरीके से मैंने 8 नंबर के पिन को यहाँ से VCC दे दिया है, जो VCC था मेरे IC का उसको VCC मिल रहा है। यहाँ पे 230 वोल्ट AC अगर हम देते हैं तो यहाँ पे हमें 230 वोल्ट AC का 12 वोल्ट AC, फिर उसका DC रेक्टिफिकेशन, उसका फिल्ट्रेशन, देन उसका रेगुलेशन, और वापस से उसमें से अनवांटेड जो है वो इलेक्ट्रिकल नॉइज निकाल के LED को दे दिया है। अभी आपका LED भी शुरू हो चुका है, और आपको इधर से VCC आपके IC को मिल रहा है, IC को ग्राउंड देना है, तो आपको ग्राउंड यहाँ से देना होगा। जैसे 4 नंबर के टर्मिनल्स को मैंने मेरे IC को ग्राउंड्स भी अच्छी तरह से दे दिया है। सो 8 नंबर के पिन को VCC मिल रहा है, 4 नंबर के पिन को ग्राउंड मिल रहा है, अभी आपका ये IC काम करने के लिए एबल टू है। आपको इसको रेफरेंस वोल्टेज देना है 3 नंबर के पिन को, तो आप इजीली इसके 3 नंबर के पिन को जैसे रेफरेंस वोल्टेज भी दे सकते हो। इसके लिए आपको एक रजिस्टर्स लेना होगा, जो पोटेंशियोमीटर्स मार्केट्स में मिलते हैं, वो पोटेंशियोमीटर्स का फर्स्ट नंबर का जो टर्मिनल्स है वो आपको वापस से आपके VCC को देना होगा। आप ऐसे भी दे सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा इजीली करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये 4 नंबर को तो ग्राउंड आया ही है, मैंने मेरे पोटेंशियोमीटर को ऐसे ग्राउंड दे दिया है, और ये जो है ये मैं लेके जा रहा हूँ मेरे VCC को। अभी इस पोटेंशियोमीटर्स को जो ये टर्मिनल है वेरिएबल टर्मिनल, इसका ये लेके जाएगा हमारे 3 नंबर के, इसको रेफरेंस वोल्टेज यहाँ से मिल चुका है। और दोस्तों अगर सिटी से आने वाले आपको जो भी सिग्नल्स देने हैं वो आपको ये 2 नंबर के पिन्स को देने होंगे। सो सिटी से आने वाला जो भी सप्लाई होगा उसको भी वापस से आपको रेक्टिफाई कर लेना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे और एक छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा, जो कि मैं बना लेता हूँ।
अब आप आपके सिटी का जो भी इनपुट है यहाँ पे दे सकते हो। मैंने आपके जो सिटी से आने वाले जो भी सप्लाई है, सो सपोज नाउ दिस वन इज योर सिटी, और इस सिटी से आने वाला ये जो सप्लाई है आप यहाँ पे दे सकते हो। और आपके सिटी पे जो भी लोड होगा, सपोज नाउ ये मेरा सिटी है, सिटी पे मैं इधर फेज दे रहा हूँ, और यहाँ पे समझो अभी लैंप लोड डाल रहा हो या मोटर्स लोड डाल रहा हो, वाटर में भी ना हो, आप इसको लगा सकते हो। ये मेरा फेज है, ये मेरा न्यूट्रल है। जैसे मैं ये एक एक स्विच ऑपरेट करते जाऊँगा, ऑटोमेटिकली ये सिटी के ऊपर जो लोड आएगा वो इधर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो डीसी में कन्वर्ट हुआ जो मेरा लोड है इसको मैं वापस से फिल्टर कैपेसिटर से यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इसको भी लगा देता हूँ मैं मेरा लाइक पोटेंशियो मीटर, और इसे लेके जा सकते हैं आप आपके वाले इस दो नंबर के टर्मिनल्स को। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे अगर आपका सिटी का लोड बढ़ जाता है तो समझो आपने रेफरेंस यहाँ पे 2.2 वोल्ट रख दिया है, और इधर का अगर वोल्टेज बढ़ जाता है 2.2 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो आपका वाला ये टर्मिनल हाई हो जाएगा 1 नंबर का, और इससे आप आपका एक ट्रांजिस्टर स्टिकर कर सकते हो और PLC को भी इसका सप्लाई लेके जा सकते हो। तो दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका पूरा लेआउट भी मैं आपको बना के देने वाला हूँ, आप देखते रहिए मेरे साथ में जुड़े रहो, आपको सारा बता ही दे रहा हूँ। ये आप इधर ट्रांजिस्टर्स ले सकते हो, आप लगे तो इसमें 1K का रजिस्टर्स भी डाल सकते हो। यहाँ पे अभी हमने ये ट्रांजिस्टर्स को एक रजिस्टर्स कलेक्टर साइड में लगाना होगा, इसका जो हमारा ये इमीटर है हमें ग्राउंड करवाना होगा। सो इसे ग्राउंड करने के लिए हमें 4 नंबर के इससे ग्राउंड्स लेना होगा, तो अभी तो मैं यहाँ पे इसको ग्राउंड दिखा रहा हूँ, बाद में आपको इसमें ग्राउंड्स वहाँ से लेके जाना होगा। ये भी मैं आपके इसको ग्राउंड कर दिया हूँ, इसका और इसका कॉमन ग्राउंड भी हमें करवाना होगा, यानी ये और ये ग्राउंड भी हमें कॉमन कर लेना होगा, तब जाके हम अच्छी तरह से काम कर सकते, अदरवाइज नो। देन नाउ आप घर में ये PLC के लिए यूज़ करना है, यानी ओवर करंट जाने के बाद में PLC को सिग्नल देना है, तो हमें यहाँ पे जो भी काम करना होगा यहाँ पे हमें 24 वोल्ट DC का प्लस देना होगा, और यहाँ से मेरे एक दूसरे ट्रांजिस्टर्स को मैं लेके जाऊँगा सप्लाई, वो जो ट्रांजिस्टर्स रहेगा इसके बीच में मैं यहाँ पे रजिस्टर्स भी डाल देता हूँ। ये नियर अबाउट 3.3 के का रजिस्टेंस आपको यूज़ करना होगा, या आप 1K या 10K के भी यूज़ कर सकते हो। इसका जो PNP ट्रांजिस्टर्स हमें यूज़ करना है, तो PNP ट्रांजिस्टर का इमीटर हमें पॉजिटिव को लगाना है, और उसके कलेक्टर्स में हमें एक रजिस्टर्स डाल के उसको भी ग्राउंड करवा लेना होगा, और यहाँ से हमारा सिग्नल्स निकलेगा जो होगा 24 वोल्ट का। जब ओवरलोड हो जाएगा तब हमें यहाँ पे 24 वोल्ट मिल जाएगा दोस्तों, और इस तरीके से ये LM358 नाम के कंपैरेटर IC को लेके आप कंपैरिजन्स कर सकते हो दोन डिफरेंट सिग्नल्स में। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारा सर्किट डायग्राम बता दिया है, इसका लेआउट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लेआउट के लिए हमें पहले बोर्ड पे लेआउट निकालना होगा, बाद में एक PCB के ऊपर हमें उसका लेआउट कैसा किया जाता है वो भी देखना होगा। तो दोस्तों चलो चलते लेआउट की ओर और देखते लेआउट। सो लेआउट जो होते हैं, लेआउट आपको पहले बोर्ड पे देखने होंगे और बाद में आपको एक PCB के ऊपर बनाने होंगे। लेआउट पहले हमें बोर्ड पे देखने होंगे और बाद में बनाने होंगे इस PCB के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इसे बोलते हैं PCB। ये जो PCB होते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के PCB मार्केट्स में उपलब्ध होते हैं। अभी मेरे हाथ में जो है ये पेपर फेनोल है, CMO और ग्लास इपोक्सी, ऐसे 3 टाइप के PCB मार्केट्स में आपको उपलब्ध है काम करने के लिए। अभी मैं आपको पेपर फेनोल के ऊपर इसका सारा बता दूंगा। अगर आप एक देखते हो यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे एक कॉपर क्लैड बोलते हैं इसको, पूरा कॉपर का ये यहाँ पे आपको दिख सकता है, जो भी इस पे सरफेस है कॉपर का है। इसका जो पिछला साइड होता है ये बैकलाइट से बना होता है, पेपर फेनोले से बना होता है।
यानी पेपर्स का जो कागज के जो टुकड़े होते हैं वो भी इसमें मिक्स किए जाते हैं, इसको इसलिए इसे पेपर फेनोले बोला करते थे पहले। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको एक पीसीबी बताया, अभी इसके ऊपर हमें लेआउट निकालना है। तो पहले इसका लेआउट हमें बोर्ड पे देखना होगा और देखना हम इसके ऊपर भी लेआउट्स देख लेंगे। तो हमें जैसे अभी आप अगर इस पीसीबी के ऊपर आप अगर अभी ये जो पीसीबी मेरे हाथ में था इस पीसीबी के ऊपर कौन सा भी अगर आप लकीर खींच दोगे तो वैसा ही बन जाएगा। दोस्तों समझो अभी मैंने इसमें ऐसा एक लकीर खींच दिया तो ऐसा ही लकीर इस पर बन जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे ऐसा एक डायोड्स निकाल रहे हो और ये डायोड्स ऐसा अगर दिखाते हो तो ये भी इस पर ऐसा बन जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर हमें ऐसा डायोड्स नहीं निकालना है। अगर हम ऐसे डायोड्स पे निकाल देते हैं तो प्रॉब्लम ऐसा आ जाएगा कि आप इधर से जिसको बोलते हैं कंपोनेंट साइड और इसको बोलते हैं सोल्डरिंग साइड, अगर आप इधर से कंपोनेंट डाल दोगे तो नीचे से शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि पूरा के पूरा पीसीबी का कॉपर का ट्रैक बन जाएगा। ये जो पीसीबी है इस पीसीबी के ऊपर आप जितना भी परमानेंट मार्कर से या कोई भी इंक से इसके ऊपर आप प्रिंट कर लोगे तो वो वैसा ही वैसे के वैसे रह जाएगा और वो कॉपर का कॉपर रह जाएगा, बाकी का कॉपर सब निकल जाने वाला है। तो दोस्तों ये जो पीसीबी मेरे हाथ में है इसके ऊपर ऐसे डायोड्स कभी ना बनाएं। तो डायोड अगर हमें लेना है तो डायोड्स के लिए आपको ऐसे दो पॉइंट्स के जगह छोड़ देनी होगी। पावर सप्लाई का आपको थोड़ा सा लेआउट्स मेरे इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर दिखा दो फिर आपको समझ जाएगा पूरा लेआउट हम इसके ऊपर बना ही लेंगे। जैसा अभी मुझे ये जो पावर सप्लाई है तो पावर सप्लाई के लिए समझो अभी नेमा स्टैंडर्ड के अनुसार ये ऐसे नहीं चलते हैं दोस्तों, जो हम ऐसे आप देख रहे थे पिछले टाइम में तो नेमा नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उसके कुछ स्टैंडर्ड है, आईएससी के कुछ स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ऐसा नहीं चलेगा। तो इसे मुझे इरेज कर देना होगा, इसे मुझे इरेज कर देना होगा और इरेज करके हमें इसके कैसे बनाए जाते हैं ब्रिज वो भी देखना होगा। सो ब्रिज अगर आपको बनाने हैं तो ब्रिज आपको ऐसा बनाना होगा। मैंने जैसा बताया था मीटिंग पॉइंट ऑफ कैथोड और मीटिंग पॉइंट ऑफ एनोड यहाँ पे आ गए आपके, मीटिंग पॉइंट ऑफ कैथोड आ गए, मीटिंग पॉइंट एनोड भी आ गए और ये ऐसा। अगर इसका लेआउट बनाना है तो लेआउट बनाने के लिए हम ये जो है ये डायोड से ऐसे मिटा देंगे, इस पर सिर्फ हमें पॉइंट रखने होंगे दोस्तों, इसे बोलते हैं लेआउट, लेआउट डिज़ाइन ऑफ सर्किट। बन गया मेरा डायोड का ब्रिज का लेआउट। देन मुझे आगे जो लेना है, आगे मुझे आईसी लेना है, जो मेरा 7805 नाम का जो आईसी है बन गया, उसके लिए से तीन पॉइंट डालने होंगे। यहाँ पे कैपेसिटर्स के लिए बन गया, सेकंड नंबर का पिन इस आईसी का ग्राउंड करवाना है, हो गया ग्राउंड। यहाँ पे वापस से कैपेसिटर्स के लिए, यहाँ पे आपको अगर कुछ रजिस्टर्स लगाना है तो उसके लिए वैसे पॉइंट्स डालने होंगे। अगर आप ऐसा रजिस्टर डालोगे तो ये शॉर्ट्स हो जाएगा, दैट्स वाई इसको आपको मिटा देना होगा और यहाँ पे सिर्फ ऐसे पॉइंट्स देने होंगे। देन आपको एलईडी लगाना है, एलईडी के लिए बन गया लेआउट, इस तरीके से लेआउट बन जाएगा। और आईसी का लेकिन आपको मिरर इमेज लेना होगा। जैसे अभी आप आईसी का ये जो पिन्स आप इसको अगर सपोज ऐसा निकालते हो तो आप इसे वन नंबर का पिन बोलते हैं, तो वन नंबर का पिन हमें उधर लेके जाना होगा, उसके पिन्स से हमें उसका इस्तेमाल करना होगा अच्छी तरह से। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ और आपको वो भी बता देता हूँ। तो आईसी के लिए भी हमें पॉइंट्स लेने होंगे, ऐसे 1, 2, 3, 4 मिरर इमेज लेना होगा, 1 नंबर की पिन 2, 3 एंड 4 इसको मिरर इमेज बोलते हैं। अभी आपका आईसी इसमें लग जाएगा, अगर आप आईसी के ऐसे लगा दोगे तो सारे के सारे पिन शॉर्ट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई ऐसा जो है इस तरीके का यहाँ पे कभी ना निकाले, नहीं तो आपका ये 1, 2, 3, 4 ये सारा के सारे पिन शॉर्ट हो जाएंगे इस कॉपर के ट्रैक की वजह से, क्योंकि ये कॉपर का ट्रैक बन जाएगा ऐसा और ये कॉपर का ट्रैक इस सारे पिन को शॉर्ट कर देगा। तो इसके लिए दोस्तों ऐसा नहीं होता है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। हमें बनाने होंगे ये ऐसे उसके भी पॉइंट्स। इसका अभी समझो 4 नंबर का पॉइंट हमें ग्राउंड करना है तो यहाँ से हम ग्राउंड कर सकते हैं, 8 नंबर के पॉइंट को VCC देना है तो यहाँ से हम उसको VCC भी दे सकते हैं। आपको जो 2 नंबर का जो पॉइंट्स है उसको आपको जो रेफरेंस देना है यहाँ से, तो आप उसका भी रेफरेंस यहाँ से ऐसा लेके जा सकते हैं। इसे आपको VCC देना है या ग्राउंड देना है वो भी आप देख सकते हो।
तो इस तरीके से ये ऐसे लेआउट्स इसके बन जाएंगे दोस्तों। तो मैंने इसके ऊपर आपको एक लेआउट बना ही दिया है, अभी इसके ऊपर भी मैं आपको लेआउट बनाना सिखाता हूँ। इसके ऊपर के भी लेआउट्स आप देखते रहो और फिर बाद में इचिंग और ड्रिलिंग और सोल्डरिंग टेस्टिंग भी इसमें ये पूरा चैप्टर्स में हम करने वाले हैं। चलो दोस्तों चलते हैं इसके ऊपर लेआउट की ओर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये जो बोर्ड बे का लेआउट है ये मेरे पीसीबी के ऊपर पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये जो लेआउट है ये लेआउट को अभी हमें करना होगा इचिंग। तो इचिंग करने के लिए हमें APCL3 नाम का सॉल्यूशन लगेगा, साथ में लगेगा हमें पानी। ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे उसका एक प्रमाण होता है दोस्तों, वो प्रमाण मैं आपको बता दूंगा। उसके हिसाब से अगर इसमें ये सर्किट का बना हुआ लेआउट का बना हुआ प्लेट डाल दिया तो ये इचिंग हो जाएगा। इचिंग होने के बाद में आपको ये जो कॉपर्स यहाँ पे दिख रहा है ये सारा कॉपर्स निकल जाएगा और सिर्फ ये जो मैंने मार्क किया हुआ जितना कॉपर है उतना कॉपर बच जाएगा। फिर उसे हमें करना होगा ड्रिलिंग और देन फिर उसको कर सकते कॉम्पोनेंट सोल्डरिंग। तो चलो चलते इचिंग की ओर। तो दोस्तों इचिंग के लिए हमें लगेगा ऐसा एक ट्रे, इस ट्रे में हम पानी डाल सकते हैं। जी हाँ, प्लास्टिक का ही ट्रे चाहिए दोस्तों। अगर आप मेटल का ले लोगे तो इचिंग में वो भी पूरा आपका डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि इचिंग सॉल्यूशंस आपके मेटल के ट्रे को खराब कर देगा। वो करोजन करता है, करोजन करना यानी इसमें कॉपर का सारा करोजन होने वाला है, जो कॉपर का प्लेट मैंने आपको बताया था उसका, और वो सारा कॉपर निकल जाने वाला है। तो उसके लिए आपको लेना होगा ऐसा एक प्लास्टिक का ट्रे, उसमें डालना होगा पानी। जैसे अभी मैं यहाँ पे पानी भी इसमें थोड़ा सा डालता हूँ, पानी इसमें थोड़ा सा डाल लेना है, काफ़ी हो गया। आप सिर्फ एक कप पानी इसमें डाल सकते हो। एक कप इतना पानी डालने के बाद में इसमें हमें डालना होगा इचिंग का सोल्यूशन। तो मैं इचिंग का सोल्यूशन भी इसमें डालता हूँ। मेरे इस डिब्बे में APCL3 नाम का लिक्विड जो है उससे लिक्विड बन जाएगा, ऐसा पाउडर इसमें है। APCL3 यानी फ्री क्लोराइड का पाउडर मेरे हाथ में इस डिब्बे में का, मैं अभी वो एक चम्मच APCL3 निकाल के मेरे इस ट्रे में डाल दूंगा तो हमें नियर अबाउट हो जाएगा। ये इतना APCL3 इसमें डालना है, देख सकते हो आप APCL3 में इसमें डाल रहा हूं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हमें इस काम के लिए हेल्प कर रहे हैं। वही हमारे पर्दे पीछे के हीरो, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे लेकिन वो अच्छी तरह से हमें हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए ये काम मैं कर पा रहा हूँ। मेरा बोर्ड यहाँ पे मैंने अभी 2 से 3 चम्मच इसमें APCL3 डाल लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा बन चुका है। वो आप भी हमारे स्टूडियो में ज़रूर आएगा और हमें थोड़ा सा सहायता करिएगा। ये देख सकते हो आप ऐसा इसमें APCL3 आ चुका है
और ये पानी अब जैसा मैं ऐसा ऐसा करूँगा और इसमें मेरा ये प्लेट डाल दूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो प्लेट है वो इचिंग करना शुरू हो जाएगा। दिखाओ मेरे तरफ प्लेट्स, ये जो प्लेट्स है ये सब हमें ऐसा डालना है, ऐसा प्लेट्स इसमें डाल देता हो और इचिंग करना शुरू हो जाएगा। अभी इचिंग प्रोसीजर शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे इचिंग प्रोसीजर शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से यहाँ पे इच किया जा रहा है। इसमें ये जो है साइड के कॉर्नर इसके निकल जाएंगे तब ये इचिंग करना शुरू हो जाएगा और अंदर 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 ये सारा कॉपर इसमें से करना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा सा लगे तो आप इसमें एपीसीएल भी ऐड कर सकते हो। आपका काम जल्दी हो सके आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इतना सर्किट हमारा जो था लेआउट पीसीबी का वो ईच हो चुका है, यानी यहाँ पे का कॉपर निकल चुका है। अभी कॉपर धीरे धीरे निकलना शुरू हो चुका है, उसके लिए लेकिन हमें वापस से थोड़ा सा इसे टिल्ट करना ही होगा, वो एक दो मिनट में हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पीसीबी है ये पूरी तरह से भी ईच हो चुका है, हमने इस सॉल्यूशंस में इसको ऐसा टिल्ट करते रहने के बाद में ये पूरी तरह से यहाँ पे ईच हो चुका है। अभी हम इसमें से ये पीसीबी इजीली निकाल सकते हैं और इसे पानी से धो के थोड़ा सा ब्लेड से इसको स्क्रैच भी करना पड़ेगा ताकि इसके ट्रैक टूटे कि नहीं टूटे समझ जाएगा। ये देख सकते हो आप इस तरीके से अभी ये पीसीबी हमारा अच्छी तरह से ईच हो चुका है, यहाँ का सारा वापस निकल चुका है। तो चलो दोस्तों विषय धोते पानी से, ऐसा पानी से क्लीन कर लेना है और देन ना इसको थोड़ा ब्लेड से स्क्रैच भी करवा लेना है। ये अच्छी तरह से पानी से क्लीन हो चुका है, करते ब्लेड से स्क्रैच। तो चलो इस तरीके से दोस्तों हमारी टीम ने इसको पूरी तरह से लेआउट डिजाइन कर लिया है, इचिंग भी कर लिया है। अब इसको ड्रिलिंग करने से पहले हमें ऐसा ब्लेड से थोड़ा स्क्रैच कर लेना होगा, जो कि मैं यहाँ आपको करवा के दिखा रहा हूँ। ये सब ब्लेड से स्क्रैच करने के बाद में इसमें कोई ट्रैक टूटा वगैरह तो नहीं है हमें वो इजीली समझ जाएगा। अगर कोई ट्रैक के नीचे टूट जाता है वो भी ईच हो जाता है तो हमें वापस से सोल्ड करते आएगा, जोड़ते आएगा और हम उसको इस्तेमाल में इस पीसीबी को अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों हम इसको भी पूरा तरह से स्क्रैच करते हैं और लेते हैं इसको ड्रिलिंग को। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने पूरी तरह से इसको स्क्रैच कर लिया है, अच्छी तरह से इसको मैंने ब्लेड से क्लीन करवा लिया है और मेरा कोई भी ट्रैक टूटा हुआ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मेरा कोई भी ट्रैक इसमें का टूटा हुआ नहीं है, अच्छी तरह से मेरे सब ट्रैक भी आ चुके हैं। अब हम इसे ड्रिलिंग और कंपोनेंट सोल्डरिंग को लेना होगा, तो चलो चलते ड्रिलिंग की ओर।
तो चलो दोस्तों, मैंने इस डायग्राम के अनुसार, इस लेआउट के अनुसार ये पीसीबी रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो कि पीसीबी अभी रेडी बन चुका है। स्टूडेंट्स ने इस पीसीबी को रेडी बना दिया है। अब हम इसे टेस्टिंग के लिए लेके जाएंगे और लगाएंगे प्रोजेक्ट्स में। तो चले चलते इसका टेस्टिंग की ओर। तो चलिए दोस्तों, पहले हमें ये जो पीसीबी है इसका भी हमें लेना होगा। जो लेआउट हमने बनाया है उस तरह से इसका हमें लेना होगा। सबसे पहले लेआउट का कंटिन्यूटी टेस्टिंग, जो हमने लेआउट बनाया हुआ है वहाँ सही ट्रैक बने या नहीं ये हमें देखना होगा। इसके लिए मैं मेरा मल्टीमीटर मुझे ले जाना होगा कंटिन्यूटी की ओर। मैं भी मेरे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे ले रहा हूँ। कंटिन्यूटी के वक्त पहले दोनों प्रोब शॉर्ट करके बजर बज रहा है क्या देख लेना है। अगर मैं यहाँ पे जैसा मेरा बजर बज गया वैसा ये कंटिन्यूटी मुझे यहाँ तक आनी चाहिए। ये ट्रैक मुझे देखना है। यहाँ पे मुझे आईसी के ये जो मेरा यहाँ पे एक दो नंबर का जो पिन है 7805 का, वहाँ तक ये ट्रैक आया है या नहीं। 7805 के दो नंबर के पिन को ग्राउंड मिल रहा है, वैसे मेरे 11358 के 4 नंबर के पिन को भी ग्राउंड मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूटी का बजर बजते नज़र आपको आ रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूटी में 0 ओम रेजिस्टेंस भी आपको बता रहा है और हमें देखना होगा यहाँ पे भी ग्राउंड आ रहा है या नहीं। यहाँ पे भी ग्राउंड आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको वाला ग्राउंड का कंटिन्यूटी ले लिया है। अभी साथ में मैं इसका VCC का भी कंटिन्यूटी लेता हूँ। ये जो मेरा पिन है यहाँ से मुझे 5 वोल्ट मिलने वाला है और IC के 8 नंबर के पिन को यहाँ से जा रहा है क्या नहीं देख रहा हूँ। यस, कंटिन्यूटी मिल रहा है। यहाँ पे आपको मल्टीमीटर पे भी 0 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, साथ में यहाँ तक भी मुझे VCC मिल रहा है क्या वो देखना होगा। सेट तक भी VCC आ रहा है, यानी VCC भी अच्छी तरह से मिल रहा है। तो दोस्तों इसका कंटिन्यू टेस्टिंग्स हो चुका है। अब हमें लेना होगा इसका वाला रियल टेस्टिंग्स इस मेरे ट्रांसफार्मर के साथ में। दोस्तों एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसके प्राइमरी को मैंने 230 वोल्ट AC दे दिया है और इसके सेकेंडरी को मुझे कनेक्ट करना होगा मेरा ये पावर सप्लाई के वायर्स। मैं वो भी कनेक्ट करवा रहा हूँ। वायर कनेक्ट हो जाने के बाद में मुझे मेरा मल्टीमीटर वोल्टेज पे लेके जाना होगा, तब जाके ये हमें समझ पाएगा कि इसे सही तरीके से इस IC को वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। तो दोस्तों मैं मेरे वायर्स भी यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ। ये जो CT के वायर्स है मैं प्रोजेक्ट्स में बाद में लगाने होंगे। ये एक रियल बड़े प्रोजेक्ट में छोटा बोर्ड हमने डिज़ाइन किया है। ये बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट यहाँ पे अभी डिज़ाइन हो चुका है। अभी हम इसका वाला रियल टेस्टिंग ले रहे हैं। मैं सप्लाई ऑन करवा रहा हूँ दोस्तों। मैंने जैसे इधर से स्विच ऑपरेट कर दिया तो इसको यहाँ से प्राइमरी को 230 वोल्ट मिल गए, सेकेंडरी को 12 वोल्ट भी आ चुके हैं। अभी मैं इसका आउटपुट 5 वोल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है वो भी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे ये नॉब बस VCC से यानी DC वोल्ट 20 के रेंज पे लेके जाना होगा। इसका जो सेकंड नंबर का पिन होता है वो ग्राउंड होता है, वो ये हीट सिंक को भी आया होता है। तो मैं यहाँ पे मेरा ग्राउंड रख सकता हूँ और इस आउटपुट में नियर अबाउट मुझे जो मिलने वाला वोल्टेज है वो 4.90 मिल रहा है, यानी नियर अबाउट 5 वोल्ट के आसपास है तो चल सकता है। अभी इसके 4 नंबर का जो पिन है उसको मुझे देखना होगा, इसमें भी 0 वोल्ट मिल रहा है। और 8 नंबर के पिन को VCC मिल रहा है क्या वो भी मुझे देखना होगा। 8 नंबर के पिन को भी इसके VCC मिल रहा है और इस IC के 2 नंबर के पिन को रेफरेंस वोल्टेज भी मुझे मिलना चाहिए, वो भी मिल रहा है। यानी अभी ये बोर्ड्स प्रोजेक्ट्स में लगने के लिए रेडी है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये बोर्ड्स प्रोजेक्ट्स में लग जाएगा और ऐसे बोर्ड्स आप बना के आपके बड़े प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे कम्प्लीटली समझा दिया है। 0 से लेकर टोटल A से लेकर Z तक मैं आपको इसको पूरा बता चुका हूँ। दोस्तों बने रहो मेरे साथ में ऐसे ही टोटल प्रोजेक्ट्स के वीडियो देखने के लिए। मेरे लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स इस चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करना ना भूले। बाय बाय दोस्तों।